हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए हाई स्कूल में जो हमारा विज्ञान है बेटा, उसमें जो हमारा चैप्टर, जो हमारा विषय है केमिस्ट्री के अंतर्गत, हमारा जो पहला अध्याय है बेटा, उसमें हम लोगों ने जो इससे हमने जो आपको पिछली वीडियो जो पढ़ाया था उसमें कुछ है रिएक्शन के बारे में बेटा हमने स्टडी किया था कि रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या हैं, ठीक है ना, रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, ठीक है ना। और इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कि रासायनिक क्रियाओं के प्रकार, कि रासायनिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, आदि चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बेटा क्या किया था, स्टडी किया था, ठीक है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बेटा ये जो चैप्टर है इसमें जो हमारे रासायनिक क्रियाओं के प्रकार हैं ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से बेटा जो आपका जो रासायनिक क्रियाओं के प्रकार हैं इसमें से कहीं ना कहीं जो हर साल बेटा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए जो है इस रिएक्शन को बेटा आप ध्यानपूर्वक से देखेंगे, समझेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटा आप जो हमें बताएंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने जो इससे पहले बेटा दो रिएक्शन जो पढ़ा था वो हमारा था क्या बेटा, पहला था संयोजन अभिक्रिया जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया है, और दूसरी थी बेटा हमारी अपघटन अभिक्रिया थी। कौन सी अभिक्रिया थी बेटा? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया थी, ठीक है ना। इसको हमने परिभाषा और उदाहरण के सहित बेटा हम लोगों ने स्टडी किया था। आज के वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो बची हुई हमारी रिएक्शन हैं, जो अभिक्रियाएं हैं, उसके बारे में बेटा हम जो स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग जो है अब बची हुई रिएक्शन के बारे में जो है बेटा क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो हमारा जो तीसरा रिएक्शन है रासायनिक क्रिया में वो हमारा था विस्थापन अभिक्रिया। क्या था बेटा? विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। ये प्रतिस्थापन या विस्थापन जो बात है बेटा, दोनों बातें एक ही होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहें या इसको क्या कहें बेटा, विस्थापन अभिक्रिया कहें, इंग्लिश में बेटा इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अब ये विस्थापन का मतलब क्या होता है इसके बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं, तब बेटा आपको हम बता रहे हैं। विस्थापन का मतलब ये होता है बेटा कि कोई पदार्थ अगर हो कोई, ठीक है ना, वह अपना स्थान छोड़ रहा है और कोई जो दूसरा उसका स्थान क्या ले रहा है बेटा, ग्रहण कर रहा है बेटा। तो यानी किसी एक का वहां से अपने स्थान से चला जाना और वहां पर किसी दूसरे का आ जाना ही बेटा क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत टिपिकल वर्ड नहीं है। विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब यहां पर केमिस्ट्री का मतलब यही होता है कि यहां पर किसी भी पदार्थ का अपने स्थान से चला जाना, ठीक है, और वहां पर किसी दूसरे को वहां पर क्या होना बेटा, आ जाना, क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। तो अगर हम किसी रिएक्शन की बात चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर चूंकि वो डिफिनेशन तो लिखा नहीं जाएगा जो मैंने आपको बताया, जिसमें क्या होता है कि ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या कर दे, हटा दे और खुद उसका स्थान क्या कर ले, ग्रहण कर ले, वही जो हमारी अभिक्रिया है क्या कहलाती है बेटा? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान अगर हम बात करें किसी दूसरे का स्थान तभी ग्रहण कर सकता है जब तक कि वह इंसान उस इंसान की तुलना में बेटा क्या हो, स्ट्रांग ना हो। यानी कोई स्ट्रांग व्यक्ति ही किसी वीक पर्सन को हटा सकता है, ना कि कोई वीक पर्सन जो है किसी स्ट्रांग पर्सन को बेटा क्या कर सकता, हटा सकता है। तो यहां पर भी वही मतलब होता है कि ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर दे, हटा दे और स्वयं उसका स्थान क्या कर ले, ग्रहण कर ले, वही हमारी क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है बेटा। बात समझ में आई कि नहीं आए? तो मैं डिफिनेशन भी लिख रहा हूं, आप देखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक, क्या बताया मैंने, अधिक ओके क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक
से हटाकर स्वयं क्या कर ले, उसका स्थान, उसका स्थान, ओके बेटा, क्या कर ले, ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को, की अभिक्रिया को, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ बेटा? तो ये हमारी क्या थी बेटा, डिफिनेशन थी। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, देख पा रहे हैं आप, क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार के क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको डिफिनेशन समझ में आया होगा बेटा, ठीक है ना। अब हम जो है कुछ इसके एग्जाम्पल की बात कर लें विस्थापन अभिक्रिया में। ये तो हमारी डिफिनेशन थी, जैसे हमारे एग्जाम्पल ढेर सारे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल की बात करें हम विस्थापन अभिक्रिया में, जैसे बेटा हमारा आयरन होता है, स्टेट तो जाहिर सी बात है सॉलिड होगा। जब आयरन को यानी लोहे को, ये हमारा लोहा है, आयरन है, सिंबल है, इसको बेटा हम CuSO4, ये एक्वस मीडियम होता है यानी लिक्विड मीडियम में, ये होता हमारा कापर सल्फेट है, लिखा है, क्या लिखा है, कापर सल्फेट, ओके। यानी जब आयरन को बेटा कापर सल्फेट वाले विलयन में बेटा डाला जाता है, तो क्या होता है, जो ये कापर है बेटा, ये आयरन की तुलना में बेटा कम क्रियाशील होता है। आपको केवल इतना याद रखना जो मैं बता रहा हूं, जो कापर होता है बेटा, ये आयरन की तुलना में बेटा क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। तो ये जो आयरन होता है कापर को क्या करता है बेटा, उसके स्थान से हटा देता है, और स्वयं आयरन जो होता है बेटा वो कापर का स्थान जो क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, ठीक है। और इस प्रकार से जो हमारा कापर होता है वो जो अपना स्थान क्या करता बेटा, छोड़ देता है। तो ये जो रिएक्शन लिखा गया, अगर आप देख पा रहे हैं कि कापर ने अपना स्थान छोड़ा और उसके स्थान पर कौन आया बेटा, देख रहे हैं, आयरन आ गया और कापर अपना स्थान छोड़कर बेटा कहाँ चला गया बेटा, बाहर चला गया। तो ये जो रिएक्शन जो मैंने लिखा, जो एग्जाम्पल लिखा है, ये किसका लिखा गया है, विस्थापन अभिक्रिया का लिखा गया है। इसका नाम है फेरस सल्फेट। क्या नाम है? फेरस सल्फेट, ओके। क्या नाम है बेटा? फेरस सल्फेट। उसी प्रकार से और भी हमारे पास एग्जाम्पल है बेटा, मैं दूसरा लिख रहा हूं। जैसे बेटा हमारा जिंक है, ये जाहिर सी बात है जिंक का सिंबल है, संकेत है बेटा, जिंक ZN सॉलिड स्टेट है, और अगर इसको भी कापर सल्फेट के विलयन में बेटा डिप किया जाए, डाला जाए, एक्वस मीडियम लिखा गया है, एक्वस का मतलब बेटा क्या होता है, जलीय होता है, ठीक ना। और जैसे इसमें आप डालते हैं तो ये जो कॉपर होता बेटा ये हट जाता है, और इसका स्थान कौन ले लेता है बेटा, जिंक। ऐसा जिंक ने क्यों स्थान ग्रहण किया, जाहिर सी बात है कि जिंक की जो क्रियाशीलता होगी, जो पावर होगी, वो कहीं ना कहीं कॉपर से बेटा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर स्थान हटेगा अपने स्थान से, तो जिंक उसका स्थान लेगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा बेटा, उसका नाम होगा आपका जिंक सल्फेट। क्या नाम है? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, ओके। तो ये हमने दो, आपको दो एग्जाम्पल जो बताए हैं बेटा, ये हमारे किसके थे, विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल थे, और डिफिनेशन मैंने जो आप लोगों को बताई है बेटा, ठीक है। तो ये रहा हमारी जो तीसरी रिएक्शन थी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत बेटा, वो क्या थी हमारी, विस्थापन अभिक्रिया थी, ठीक। अब हमारी जो फोर्थ रिएक्शन है उसको बेटा हम लोग पढ़ते हैं। फोर्थ रिएक्शन हमारी क्या थी बेटा, उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो मैं एक एक करके बेटा दोनों को बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले हम जो फोर्थ रिएक्शन के अंतर्गत जो पढ़ेंगे, चौथे रिएक्शन है उष्मा, क्या है, उष्मा क्षेपी, सबसे पहले स्टडी करेंगे बेटा हम उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया।
उष्माक्षेपी अभिक्रिया को बेटा इंग्लिश में एक्सोथर्मिक के नाम से जाना जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उष्माक्षेपी अभिक्रिया को बेटा हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप जानें, उष्माक्षेपी का मतलब यह होता है बेटा कि निकलना। छेपी का मतलब बेटा क्या होता है, निकलना। किसका निकलना, उष्मा का निकलना। अच्छा, उष्मा कब निकलेगी, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी। सिंपल सी बात है बेटा। तो क्या होता है, अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर उष्मा बेटा क्या हो रही है, निकल रही है, या कह सकते हैं मुक्त हो रही है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं बेटा। बात समझ में आ रहा ना। तो मैं जो इसकी डिफिनेशन को बेटा लिख रहा हूं, आप देखेंगे कि वह परिभाषा क्या होगी बेटा हमारी, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या जिससे उष्मा मुक्त होती, मुक्त का मतलब बेटा क्या होता है, निकलना होता है, मुक्त होती है, होती है, उसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी परिभाषा। लेकिन खास तौर पर बेटा अगर उष्मा निकल रही है तो उसको आप कैसे जानेंगे, तो बेटा अगर उष्मा किसी अभिक्रिया में निकल रही है तो उसके लिए क्या होता है बेटा, जो हमारा उत्पाद होता है, उत्पाद किधर लिखा जाता है, हमेशा दाएं साइड में। तो उत्पाद में जो उष्मा की जो मात्रा होती है बेटा, उसमें हमेशा जो है धनात्मक के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं, जो धन चिन्ह होता है उस रूप में हम बेटा लिखते हैं। अगर धन चिन्ह के रूप में अभिक्रिया लिखा गई है, उसका मान भी लिखा गया है, तो आप समझ लीजिएगा बेटा वो रिएक्शन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, उष्माक्षेपी। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, इसमें उष्मा की मात्रा को, मात्रा को उत्पाद किधर बेटा, उत्पाद की तरफ धनात्मक चिन्ह, कौन सा चिन्ह, धनात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह के रूप में, रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है। क्या मैंने लिखा कि उष्माक्षेपी क्रिया में जो उष्मा की मात्रा होती है वो किधर लिखी जाती है बेटा, उत्पाद की तरफ लिखी जाती है, और जो उष्मा का मान होता है वो किस रूप में लिखा जाता है, धनात्मक चिन्ह के रूप में लिखा जाता है बेटा। ठीक है, तो ये हमारी बेटा क्या थी डिफिनेशन थी, आप इसको ध्यान से देखेंगे बेटा। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा जिससे आपको बेटा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया है वो कि नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए जरा हमें किसी एग्जांपल की बात कर लें, क्या होता है अगर हम एग्जांपल की बात करें उष्माक्षेपी में, तो होता है बेटा क्या, हमारा कार्बन होता है, कार्बन जो होता है बेटा ये हमारा ग्रेफाइट है। क्या है, ग्रेफाइट का नाम सुना होगा आपने, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, ये कार्बन का जो अपर रूप है, पढ़ेंगे आप लोग आने वाले समय में, जो पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है ना, तो ये कार्बन का सूत्र, ग्रेफाइट का सूत्र है, ग्रेफाइट का सूत्र बेटा कार्बन यानी सी सिंबल होता है, वही होता है। जब कार्बन को बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसको बेटा हम O2 के साथ क्या करते हैं बेटा, O2 के साथ ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो इससे बेटा हमें क्या प्राप्त होता है, अपना CO2। क्या मिलता है बेटा, हमारा CO2 ऑब्टेन होता है, और साथ में ही हमारा जो है 94.0 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी उष्मा मुक्त होती है बेटा। देख पा रहे हैं आप अच्छी तरीके से, ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है, मैंने क्या कहा था कि उष्मा की मात्रा को कैसे पहचानेंगे कि वो उष्माक्षेपी उष्मा शोषी। उष्माक्षेपी में जो ये धनात्मक चिन्ह होता है, हमेशा
उत्पाद की तरफ लिखा जाता। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो उत्पाद है आपका ये राइट साइड में लिखा गया है, जो ऊष्मा की मात्रा 94 लिखा गया है वो किसने में लिखा गया, किस चिन्ह के रूप में लिखा गया बेटा, देख रहे हैं आप, धन चिन्ह के रूप में लिखा गया। तो धन चिन्ह के रूप में अगर रिएक्शन में लिखा जाए कभी भी कोई भी मान, ठीक है ना, तो आप समझ लेना बेटा वो किसकी बात की जा रही है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की बात की जा रही है बेटा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये रहा हमारा जो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का क्या था बेटा, एग्जाम्पल था, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें दूसरी जो रिएक्शन हमें पढ़नी है वो हमारी क्या बेटा है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा हमारी है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को बेटा हम लोग इंग्लिश में इंडो थर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं, इंडो थर्मिक रिएक्शन। ओके बेटा, अब हम लोग जानेंगे कि यह जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। शोषी का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें ऊष्मा लिया जाए। शोषी का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऊष्मा निकले ना, बल्कि ऊष्मा क्या हो, बाहर से बेटा क्या की जाए, ली जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को बेटा हम किस में पढ़ते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो कैसे परिभाषा लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, जिससे या जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, उसे क्या कहते हैं हम, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रहा है बेटा? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है बेटा, बाहर से ली जाए, ग्रहण की जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं बेटा। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की खासियत क्या होती है, अगर ऊष्मा की बात करें आप अच्छी तरीके से, तो इसमें जो ऊष्मा का मान होता बेटा वो हमेशा उत्पाद की तरफ बेटा ऋण चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। किस चिन्ह के रूप में? ऋण चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें ऊष्मा की मात्रा, किसकी मात्रा बेटा, ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद किधर लिखा जाता है अभिक्रिया में, दायां बाएं, दाएं साइड में लिखा जाता है। ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद की तरफ ऋण चिन्ह, कौन सा चिन्ह बेटा, ऋण चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में मैंने बताया था कि जो हमारा ऊष्मा की मात्रा होती है जब उत्पाद तब लिखा जाता है तो बेटा धन चिन्ह के रूप में लिखा जाता है, और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में जो हमारे उत्पाद की तरफ जो ऊष्मा की मात्रा लिखा जाएगा वो किस चिन्ह के रूप में लिखा जाएगा बेटा, आप देख रहे हैं, ऋण चिन्ह के रूप में लिखा जाता है बेटा। तो मैं एक एग्जांपल बेटा इसमें भी देता हूं जो आप पहचान जाएं कि ये ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी है, ठीक है ना। चलिए मैं एग्जाम्पल इसका लिख रहा हूं बेटा, क्या होता है, N2 गैस स्टेट, गैस अवस्था है, और अगर इसको O2 के साथ बेटा रिएक्शन करवाया गया तो दोनों के मिलने से अगर बैलेंस रिएक्शन लिखें हम तो 2NO का स्टेट, गैस स्टेट, और -45 किलो कैलोरी, इसका नाम बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, तो
यहां पर ये जो रिएक्शन है बेटा, अगर आप पहचाने कि उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी, तो देख रहे हैं आप जो उष्मा का मान लिखा गया बेटा किस चिन्ह के रूप में लिखा गया बेटा, ऋण चिन्ह के रूप में लिखा गया है। तो अगर ऋण चिन्ह के रूप में लिखा गया तो यह अभिक्रिया किसके अंतर्गत आएगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया के अंतर्गत आएगी। लेकिन अगर ये पर धन चिन्ह लिखा होता तो बेटा किस में होता, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आता बेटा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जिस रिएक्शन के बारे में, जो दो रिएक्शन बेटा पढ़ा है, उसके बारे में बेटा हम लोग स्टडी करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बेटा इसके बारे में जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। बाकी बचे हुए जो रिएक्शन जब हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे तो बेटा आपको बताएंगे। तब तक के लिए देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद बेटा।